नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सर्दी के मौसम में बढ़ने के साथ ही कोहरा भी बढ़ गया है और कोहरे के बढ़ने से दुर्घटनाओं के बढ़ोतरी की संभावना है। कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिखाई नहीं देने से दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। महुआ भरतपुर एक्सप्रेस वेज लिमिटेड कंपनी के परियोजना प्रबंधक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि सर्दी के मौसम में तुरंत बदलाव आ गया है। सर्दी बढ़ने के साथ कोहरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। नेशनल हाईवे पर भी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। महेंद्र पाल ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि जान है तो जहान है। कई व्यक्ति अपने जीवन के साथ खुद ही खिलवाड़ करते हैं। कोहरे के दौरान रात्रि के समय वाहन चालक कम से कम सफर तय करें। सफर के दौरान हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करें। बाइक सवार भी बिना हेलमेट के सफर ना करें। कई बार दुर्घटना के दौरान बिना हेलमेट के कई बाइक सवार अपनी जान गंवा चुके। जीवन अनमोल है, इसकी सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। MBEL कंपनी आमोली प्लाजा वरिष्ठ प्रबंधक दीपक कुलश्रेष्ठ ने कहा कि कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाता है, जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधित नियमों के बारे में वाहन चालकों को जागरूक किया जाता है। कई वाहन चालक शराब के नशे में और साथ ही तेज रफ्तार से वाहन चलाते हैं, जिससे वाहन अनियंत्रित हो जाता है। इस कारण वाहन चालक अपने दूसरे की जान भी ले बैठते हैं। MBEL कंपनी के लुदावी टोल प्लाजा प्रबंधक अनुप सिंह चौहान ने कहा कि अगर कोई भी दुर्घटना किसी के साथ हो जाती है तो उसके लिए टोल प्लाजा पर निःशुल्क एम्बुलेंस और हाईवे सेफ्टी वाहन 24 घंटे सेवा में तत्पर रहते हैं। इन्हें सूचना देकर आप किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी लापरवाही अपनी जान की दुश्मन बन सकती है, इसलिए अपने अनमोल जीवन के बारे में सोचकर सड़क नियमों का पालन करें। की तरफ से सभी वाहन चालकों से आग्रह करना चाहूँगा कि कोहरे का समय है तो यातायात संबंधी नियमों का पूर्णतः पालन करें। विशेषकर जो गति सीमा है जिन जिन वाहनों के लिए निर्धारित की गई है, उस गति सीमा से ऊपर न जाए। और जो भी जो गार्ड और जो ट्रैक्टर ट्रॉली लोकली हमारे जो चलते हैं, उनसे विशेष आग्रह करूँगा कि उनके पीछे रिफ्लेक्टिविटी का बहुत बार देखा जाता है कि कोई साधन नहीं होता, तो वो पीछे की साइड अपने जो भी रेड या ग्रीन कलर के जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो चिपका लें, ताकि पीछे से जो वाहन आ रहा है उसको उचित दूरी पे वो वाहन नज़र आ जाए। यदि किसी के पास इस रिफ्लेक्टर वगैरह उपलब्ध नहीं है तो हम टोल प्लाजा से उसको उपलब्ध करा सकते हैं। ये हमारी टीम उसमें सहयोग कर देगी। हमने जो हमारी पेट्रोलिंग व्हीकल्स रहते हैं उसमें भी ये रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं कि कोई भी ऐसा वाहन दिखे जिसके पीछे रिफ्लेक्टिविटी का इशू हो तो वो रिफ्लेक्टर चिपका के चले, ताकि वो फोग में विशेषकर रिफ्लेक्टिविटी वाहन की बनी रहे, तो उसे उसकी उचित दूरी पे कोई भी पीछे वाले टू व्हीलर या फोर व्हीलर आ रहा है उसको पता चल जाए उचित दूरी पे। इसके साथ हमारी टीम पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनको रिफ्लेक्ट वो हाईवे पे विचरण करते रहते हैं, तो अभी हम अभियान चला रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टिविटी बेल्ट है, विशेष गाय घूमती है तो उनके गले में वो हम पहनाएंगे, ताकि एकदम से जब गाय आती है या गाय रोड के किनारे खड़ी है तो वो दूर से कोई भी वाहन चालक है उसको पता चल जाए। और इसके अलावा जो भी हमारी तरफ से तैयारियां हैं, जो भी ऑब्जेक्ट लगे हैं हाईवे के ऊपर, उन पे हम रिफ्लेक्टिविटी को बनी रहे इसके लिए उनको वॉश करवाना या उनको रिन्यूअल करना, ये भी तैयारी हमारी तरफ से चल रही है। लेकिन विशेषकर वाहन चालकों से मेरा ये आग्रह है कि वो भी पूर्णतः इस अपनी जो गतिविधि है उनको ध्यान रखें और कोहरे को देखते हुए अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि जान है तो जान है। और ये मेरी तरफ से ये संदेश।